तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एलनेस हम ये देखेंगे कि अभी उसको क्या मसला है, अभी कपिंग कर रहा है तो भी कब कब से शुरू हुई थी, आंसेट क्या है, शुरू हुई थी कब से, उनके नेचर क्या है कि बिल्कुल मतलब कंटिन्यूस कपिंग कर रहा है या वक्त के साथ कर रहा है, स्पूटम प्रोडक्शन इसमें स्पूटम है या नहीं, स्पूटम करेक्टरिस्टिक है, स्पूटम नॉर्मली जो स्पूटम का कलर है बिल्कुल क्लियर वाइट या क्लियर ग्रे होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उनकी जो कलर होती है ना वो येलो और ग्रीनिश हो जाते हैं, येलोविश एंड ग्रीनिश वो हो जाता है। पैटर्न क्या है, पैटर्न इसका मतलब ये है कि उसकी जो कलर स्पूटम है ये प्रोडक्ट स्पूटम है या ड्राई कप है, सीवियरिटी वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, एसिड से और कोई सिम्टम है या नहीं, इफेक्ट एफर्ट्स टू ट्रीट या हमने अगर उसकी ट्रीटमेंट की तो उसके लिए मतलब कुछ इकदाम की है या नहीं है। हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस शॉर्टनेस ऑफ एस ओ बी है, अगर उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो कब से शुरू हुई है, पैटर्न क्या है, पोजीशन मोस्ट कम्फर्टेबल, नंबर ऑफ पिलोज मतलब अक्सर एंजाइना होती है ना तो एंजाइना में हम चेस्ट पेन होता है तो हम देखिए कि किस जगह पर ज़्यादा हो रहा है, या कोई स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, रिलेटेड टू एक्सटेंड एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के साथ वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, सर्टेन एक्टिविटीज़ टाइम ऑफ डे ईटिंग किस टाइम हो जाता है ईटिंग, या मतलब अगर किसी जगह पर पेन हो रहा है आपने दूध पी लिया वो ज़्यादा हो गया या दूध पीने से वो कम हो गया, जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि कोलेसिस्टाइटिस इन चीज़ों में हो जाते हैं, हार्डर टू इनहेल और एक्सहेल, या अगर सांस में मसले मसाइल है तो वो अंदर के लिए तरफ लेके जा सकते हैं या नहीं, या बाहर की तरफ निकाल सकते हैं या नहीं, मरीज सीवियरिटी उसकी तेज़ है या वो खतर ज़्यादा खतरे वाली बात है या कम खतरे वाली बात है, सीवियरिटी से और भी सिम्ट है, एफर्ट्स टू ट्रीट या मतलब हमने भी मतलब आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना तो उसका या मेहनत की है इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, चेस्ट पेन हो रहा है कब से शुरू हुई है, कितने टाइम के लिए है, सिम्टम्स की है, एफर्ट्स की है, अदर मेडिकेशन मतलब रिक्रेशनल ड्रग्स कोकेन आपने ये यूज़ किए या नहीं है, कोकेन से अक्सर भी हो जाते हैं पेन किलर से ना, कोकेन कभी रिक्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, थोरेसिक ट्रामा और सर्जरी, इससे पहले सर्जरी तो नहीं की है आपने या कोई ट्रामा तो नहीं हुई है आपको, डेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कब हॉस्पिटल में वो हो गए थे, पल्मोनरी डिसीज की वजह से कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हो या नहीं, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन असिस्टेंट डिवाइस, कभी आपने इससे पहले ऑक्सीजन तो नहीं यूज़ किया है, ऑक्सीजन की मदद से आपने तो सांस नहीं ली है, सीपेप या बाईपेप ये आईसीयू में यूज़ हो जाते हैं, तो हम जब कंटिन्यूस प्रेशर दे रहे होते हैं ना कॉन्स्टेंट प्रेशर पर रखते हैं तो सीपेप हम लगाते हैं, जब बाईपेप वहाँ तब लगाते हैं जब हमें पता होता है कि मरीज़ अपना मेहनत कर रहा होता है, अपनी सांस थोड़ा थोड़ा सांस अपना ले सकता है या ले सकती है तो हम बाईपेप पर लगा सकते हैं। क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ या मतलब लंग में कोई मसला तो नहीं है, अदर क्रॉनिक डिसऑर्डर कोई मसला तो नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए जो मसले होते हैं उसका नाम है क्रॉनिक, जो कम आरसी वाले मसले होते हैं उसका नाम है एक्यूट, कभी टेस्ट वगैरह उनकी की है या नहीं है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया, नमूनिया की वैक्सीन लगाई है आपने या नहीं है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जुकाम वाली या वेजोग्रिप के नाम से जो आते हैं ये वैक्सीनेशन आपने की है या नहीं की है। फर्स्ट मेडिकल में टीबी भी है कि उनसे ये भी पूछो कि कभी इससे पहले आपको टीबी की जो मर्ज है आपको तो नहीं लायक हुई थी, तो टीबी में क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना रॉटशेप बैक्टीरिया है या सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक कंडीशन है, इसमें क्या हो जाता है थिक एंड स्टिकी म्यूकस इन बॉडी, हमारा जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपक जाती है इन बॉडी बॉडी ट्यूब्स में, बॉडी के ट्यूब में एंड पैसेज वे और एयरवे के जो पैसेज है ना एयरवे की जो नाली है इसमें वो गाढ़ा हो जाता है, पर्टिकुलर इन द लंग्स खासतौर पर लंग्स में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे जो डाइजेस्टिव निज़ाम इंतजाम वाले जो नाली है उसमें, एम्पाइमा पस अराउंड लंग्स पस बन जाता है या एम्पाइसीमा है, अगर एम्पाइसीमा क्या है वो बीमारी है सांस की नालियों वाली बीमारी है जिसमें हमारे ईयर सैक्स या अल्वीलाए वो रप्चर हो जाते हैं, एलर्जी है, एस्मा है, एस्मा है दिमाग की बीमारी है, एटोपिक डर्माटाइट क्रॉनिक हमारे स्किन मसला है जिसका नाम है एक्जीमा,
वो एलर्जी की वजह से हो जाते हैं, मेलिग्नेंसी, कोई कैंसर है, ब्रोंकियेक्टिसिस। ब्रोंकियेक्टिसिस का मतलब है ब्रोंकियेक्टिसिस की एबनॉर्मल वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई, के हमारे ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा मतलब वाइडन हो गई है, खुल गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्पेस ज़्यादा होगा, इसमें म्यूकस ज़्यादा बनेंगे, इसमें म्यूकस बनेंगे तो बिल्ड अप ऑफ म्यूकस एंड इन्फेक्शन, उसी जगह में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई में क्या है, इन्फेक्शन है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ऐसा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर हुई क्लॉट्स बन रही है तो इसमें क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हमारे लंग्स में क्या बनेंगे, हमारे लंग्स में मतलब क्लॉट्स बनेंगे, जो फिर वो बहुत ख़तरे वाली बात है, हार्ट को भी जा सकती है। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछो कि उस मरीज़ को एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब पे है या नहीं है, होम इन्वायरमेंट, उसकी घर के माहौल की तरह है, टोबैको तम्बाकू यूज़ करता है या नहीं, एक्सपोजर टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा या टीबी के साथ उनका एक्सपोजर तो नहीं रहा, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रंस किस तरह ले रहा है, यूज़ हर बार एन अदर रेमेडीज, कोई रेमेडीज का मतलब है इलाज मुआलजा हो या घरेलू इलाज करता है या नहीं, रीजनल ट्रेवल एक्सपोजर कभी इसी जगह पे तो नहीं गई है ना, गए है या गया है कि वहाँ पर उसको एक्सपोजर हो जाए किसी इलाके में, मतलब हवा में गंदगी है या किसी कारखानों में वो रहता है, इस तरह के इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरिया में वो चला गया, तो वहाँ पर अक्सर सांस की नालियों में ये बीमारी हो सकती है ना, वहाँ पर एलर्जी हो सकती है। हॉबीज़, वो किस चीज़ का वो शौकीन है, अक्सर लोग कुत्ते वगैरह इन चीज़ों के वो पालते हैं तो उसमें माइट्स होते हैं, एलर्जी होती है, यूज़ ऑफ अल्कोहल या एक्सरसाइज टॉलरेंस एक टेस्ट है, जब मरीज़ एक्सरसाइज कर रहा हुआ होता है ना, इसके लिए कि अपनी मशीन है और हम उसका ECG हम निकलवाए तो हमें पता चलता है कि उसकी एक्सरसाइज हो किस तरह, वहाँ पर उनकी वो मतलब हार्ट में ये एबिलिटी है ताकि वो ब्लड को पम्प आउट कर सके। ओल्डर एडल्ट में एक्सपोजर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अक्सर बड़ी उम्र के लोग में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अक्सर उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले मसाइल होते हैं। हिस्ट्री अपनी मोकोकल एंड फ्लू वैक्सीन, जुकाम वाली वैक्सीन से, एनिमोकोकल वैक्सीन के बारे में पूछे, इफेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन रेस्पिरेटरी रिपोर्ट्स एंड इन्फेक्शन अक्रेंस, और माहौल के बारे में, वेदर के बारे में पूछो, मौसम के बारे में, इमोबिलाइजेशन, सेडेंटरी हैबिट्स, कभी कभार इस तरह लोग होते हैं ना कि इमोबिलाइज, बिल्कुल सी अपनी जगह पर मतलब बैठे रहते हैं, ये सेडेंटरी होते हैं, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग, या आपके कोई मसला है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, अल्टर एक्टिविटीज़ फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एम्फसाइज जोर देना, स्मोकिंग हिस्ट्री के बारे में पूछो, कप के बारे में पूछो, कप को खांसी कर सकता है या नहीं, डिस्पनिया या एग्जर्शन ऑन ब्रेथलेस, मतलब सांस लेने में तो मुश्किल तो नहीं है उसको, फटीक, थकावट महसूस तो नहीं कर रहा, फटीक इसलिए होगी जब रिस्पायरेशन सही नहीं होगा तो ATP सही नहीं बनेगा, जब ATP नहीं बनेगा तो थकावट तो होगी ना, वेट चेंजेस के बारे में, या फीवर एंड नाइट स्वेट, रात को उसको मतलब उसको तो ये नहीं है कि रात को उसके ऊपर स्वेट्स आ जाते हैं जिस तरह TV में होता है कि TV में स्वेट्स आ जाती है। एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग्स, मार्किंग पेंसिल और आई लाइनर, सिल्वर गोल्ड फॉर डार्क स्किन, अगर डार्क है सेंटीमीटर रोल, रोलर ले लो, टेप मेजर ले लो, इंच टेप, स्टेथ भी ले लो, मिसाल विद बिल, जिसकी स्टेथोस्कोप की अगले वाले साइड पे जो छोटा सा होता है, एक डायफ्राम होता है, दूसरे साइड पे वो बिल होता है विद बिल एंड डायफ्राम, डायफ्राम में भी स्मॉलर डायफ्राम फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए उनका वो जो स्टेथोस्कोप होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है ना। ड्रेप्स का मतलब खुदरा, एक और चीज़ आपके पास रखो, चेस्ट इंस्पेक्शन करो, शेप मालूम करो, सिमेट्री दोनों साइड से ठीक है, चेस्ट वॉल तो मूवमेंट तो नहीं कर रहा, सुपरफिशियल वीनस पैटर्न उसके ऊपर देखो ना कि जो रगी गई हुई थी ना, हमारे जो वेंस होते हैं वो सही है, प्रोमिनेंस ऑफ रिब्स, और जो रिब्स है वो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमज़ोर लोगों में अक्सर नज़र आ रहा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर वर्सेस ट्रांसवर्स डायमीटर हर सब से चेक कर लो, बैरल टेस्ट चेस्ट तो नहीं है कि बैरल है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मसल कमज़ोर है चेस्ट वाल के तो बैरल होगी, स्टर्नल प्रोट्रूजन हमारा जो स्टर्नम है बाहर की तरफ तो नहीं है, स्पाइनल डिविएशन या जो हमारे जो स्पाइंस है मोर है ये अंदर या घुसी हुई तो नहीं है और या बाहर की तरफ तो नहीं है, मतलब लार्डोसिस है ना, तो लार्डोसिस में वो स्पाइन अंदर की तरफ गई होती है या किफोसिस में बाहर की तरफ वो निकली होती है, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना। थोरेसिक लैंडमार्क्स, ये
तब आप देख सकते हैं कि इसमें सारी डायग्रामेटिक आपने उन्होंने आपको बताया है कि ये कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, एक्सटर्नल एंगल एंगल आप लू, ये सारी चीज़ एक्सटर्नल का है, पॉइंट प्रोसेस सब चीज़ आपको बताया। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब है देखना। पेरेब्रल क्लूज, ये आपको एक चाबी मिलेगी, मैं सजेस्ट पल्मोनरी और कार्डिक डिफिकल्टीज, ताकि आप इसमें लंग्स वाली और हार्ट वाली मसले मसाइल बता सको। फिंगर से देखो ना, अगर क्लबिंग है, क्लबिंग का मतलब है कि क्लब वहाँ पर मतलब कलर उनकी डिफरेंट है या उसकी बढ़ गई है। ब्रीथ, ब्रेथ के बारे में पूछूँ कि आर्डर किस तरह, इसका आर्डर किस तरह है, मतलब बेड स्मेल है, स्किन, नेल्स एंड लिप्स, साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब ये है कि मतलब ये कलर उन्होंने मतलब ब्लू कलर है, अगर लिप्स ब्लू कलर है या नेल्स की कलर जो है ना ब्लू है, इसका मतलब है साइनोसिस हुई है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर सही नहीं पहुँच रहा, या पिलर एक ही चीज़ है, लिप्स क्रोसिंग या लिप्स में फर्सिंग, अगर कोई मसला है हमारे लिप्स में गोल है उसकी, फर्सिंग का मतलब है गोल है, या नोस्ट्रल फ्लेयरिंग, हमारे अगर हमारे जो नोस्ट्रल है नाक वाला सांस लेने में वो फ्लेयर कर रहा है, उससे मतलब वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको सांस की नाली में कहीं पर मसला हुआ हो रहा होता है। रिस्पायरेशन रेट के बारे में पूछो, नॉर्मली हमारे जो रिस्पायरेशन रेट है ये 12 से लेकर 20 तक है। क्वालिटी एंड पैटर्न, और नॉर्मल ले रहा होता है या मतलब रिस्पायरेशन एबनॉर्मल है या ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, हाइपर वेंटिलेशन है या हाइपो वेंटिलेशन है, सब चीज़ों के बारे में आपने पता करना है। काउंट रेड वाइल पल्स, पल्पेटिंग पल्स, जब आप पल्स को के ऊपर आपने हाथ रखा है पल्पेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको उसी टाइम रिस्पायरेटरी रेट भी चेक कर लेना। जी हमारे पास ऑब्जर्विंग रिस्पायरेशन पल्पेशन रेशन क्रेपिटस, तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी पैटर्न है। नॉर्मली क्या है, रेगुलर एंड कॉम्फर्टेबल एट द रेट आप नॉर्मल, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो नॉर्मल रेट है 12 से लेकर 20 तक है पर मिनट। ईयर ट्रैपिंग, अगर ईयर हवा ट्रैप हो गई है, इंक्रीज डिफिकल्टी एंड गेटिंग ब्रेथ आउट, तो बाहर हवा निकलवाने के लिए कारण ऐसे निकलवाने में आपको मसला होगा, तो नॉर्मल पैटर्न नहीं बनेगा। ब्रेडपनिया का मतलब है कि वो कम है, स्लोअर देन 12 ब्रीथ पर मिनट, अगर आपकी रिस्पायरेटरी रेट कम है, 12 से भी कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आपको ब्रेडपनिया है। इसका मतलब ये है कि आप किस तरह आपको पता चलेगा क्या कि 12 ही 13 ही कितने है, आप उसको देखें, वन चेस्ट राइज एंड वन फॉल इज इक्वल टू वन ब्रीथ, ठीक है, किस तरह आप उसको देखो कि मरीज को कि उसने सीना सांस लिया, सीना उसका ऊपर हो गया, फिर अपनी तरफ नीचे की तरफ अपनी नॉर्मल की तरफ वापस लेके आया, तो ये वन हो गया, फिर सीना ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये टू हो गया, ठीक है। टिकिपनिक का मतलब है कि अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो इसका आप नए मरीज़ को बताना कि ये टिकिपनिक है। हाइपर वेंटिलेशन या हाइपरपनिया, फास्टर देन 20 ब्रेथ पर मिनट डीप ब्रीथिंग, वो क्या है कि बहुत डीपली रिदम को देखो, बहुत ज़्यादा हो गया है, डीप ले रहा हो और ज़्यादा तेज़ ले रहा हो है, लेकिन ज़्यादा गहरा गहरा नहीं है, तो ये टिकिपनिया है। अगर तेज़ ले रहा है और बहुत हार्डली डीप ब्रीथिंग ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हाइपर वेंटिलेशन है। साइंग फ्रिक्वेंटली एंटर स्प्रेड डीपर ब्रीथ, ये भी एबनॉर्मल है। ईयर ट्रैपिंग है, चाइनीज स्ट्रोक है, काजमाउल है, रैपिड ब्रीथ, आपने ब्रीथिंग भी से की तेज़ की, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी तेज़ है, प्रेफ्रेंसी दोनों की तेज़ है, बॉयड है, एट्रॉक्सिक है, ये उनके टाइप्स है, ठीक है ना, रिस्पिरेशन की। अभी हम ये देखेंगे कि इंस्पेक्ट द चेस्ट वॉल मूवमेंट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, हम चेस्ट वॉल को देखेंगे, सिमेट्री को देखेंगे, रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शंस आर when the chest wall seems to cave in the sternum between the ribs
at the suprasternal notch above the clavicles and the lower costal margin. Suggest an obstruction to the inspiration at any point in the respiratory. इसका मतलब यह है कि अगर जब हम एक्सेसरी मसल यूज़ करें, अभी मैंने आपको बताया स्टेनोक्लूडोमास्टाइड है या ट्रेपेजियस मसल है या किसी और जगह पर मसल है, नॉर्मली चेस्ट सही मतलब हरकत न करे और मसल हरकत करे, तो इसका मतलब ये कि किसी जगह पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मसला है, ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है। पैराडॉक्सिक ब्रीथिंग, पैराडॉक्सिक का मतलब ये है कि इररेगुलर ब्रीथिंग। ऑन इंस्पायरेशन, जब आप इनसाइड की तरफ लेके जाओगे, द लोअर थोरेस इज ड्रॉन इन, तो हमारे जो नीचे वाला जो चेस्ट है वो इनसाइड की तरफ चला जाए। एंड एन एक्सपायरेशन द अपोजिट आकर, ये एबनॉर्मली तब होगा जब हमारा लोअर साइड एंड साइड तक जाए, और जब हम एक्सहेल करें तो क्या करें, अपर वाला साइड एंड साइड हो। नॉर्मली जब हम ब्रीथिंग ले रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम ईयर को इनसाइड की तरफ लेके जाते हैं ना, तो हवा जब अंदर जाती है तो हमारा सीना जो होता है ना वो बाहर की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम सांस को वापस निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारा सीना नीचे की तरफ चला जाता है और इनसाइड इनवर्ड चली जाती है ना, इनवर्ड। तो इसमें एबनॉर्मल होते हैं ना कि जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो ठीक है सीना तो बाहर निकला है, लेकिन सीने का नीचे वाला हिस्सा ये इनसाइड की तरफ चला जाता है, ये गलत है। और जब हम सांस को निकलवाते हैं वापस, तो ठीक है सीना अपने नीचे की तरफ चली जाती है और इनसाइड की तरफ चली जाती है, लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा ये भी आउटसाइड निकलता है, तो ये इसके चेस्ट की ऊपर वाला हिस्सा या चेस्ट की नीचे वाला हिस्सा ये कभी ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी अंदर की तरफ चला जाता है, ये चेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं शो करती। नॉर्मली जब चेस्ट चला जाता है ऊपर और आउटर या इनर एंड इनवर्ड चला जाता है, तो ठीक है ये, अगर ये भी चला जाए और इसके साथ साथ उसकी ऊपर बॉर्डर या नीचे वाला बॉर्डर अपनी तरफ से कोई हरकत शुरू कर ले, तो इसका मतलब है कि इसमें मसला हो रहा है। ठीक है, तो ये 90 स्लाइड्स है टोटल, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अभी 46 कवर की और हम फिर जाएंगे, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 91 है, तो ये दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियोस आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी, आप कवर नहीं कर सकोगी फिर।